वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंस्टेंट रेमेडी जिससे कि आप अपने बालों को झटपट काला कर लोगे और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही नेचुरल है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सर्च कर करके आप मेरी वीडियो पर आते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। आप लोग के इतने प्यार भरे कमेंट से कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और हाँ, बाल काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, तो आपने ठीक वैसे ही करना है, तभी आपके बाल होंगे जड़ से काले, घने और लंबे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यूज करूंगी नारियल का छिलका, जो कि सबके घरों पे इजिली मिल ही जाता है और पूजा में यूज होता है, काफी यूजफुल है आपके बालों के लिए। आप इसको दो तरीकों से लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरह से ऐसे ऐसे खोल लेना है। आपने इस तरह से इसको खोल लेना है, इसकी लेयर्स को थोड़ा थोड़ा अलग कर लेना है जितना आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्क करता है, इसको काले बनाता है, जड़ से मजबूत करता है, आपके बालों को लंबा बनाता है, घना बनाता है और आपके स्कैल्प में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। तो देखिए, ये मैंने इसको अलग कर लिया। इसका बुरादा भी आपने इसमें इसके साथ ही डालना है, यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने बनाना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो। अगर आप मेरी वीडियो सर्च कर करके आते हो तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो ये देखिए, आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई लेने के बाद आपने ये जो नारियल का रेडी किया था, सभी चीज़ों को आपने इसमें डाल देना है, सारे बुरादे को बुरादे सहित डाल देना है आपने। तो देखिए, आपने इस तरह से इसको जलाते हुए अच्छी तरह से जला देना है, एकदम पाउडर फॉर्म में कर देना है। तो देखिए, आपने इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छी तरह से करना है। ये बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि जैसे कि नारियल हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, नारियल का तेल या नारियल खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो इसके छिलकों में भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे बालों को काला करने के लिए मिनरल्स होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। बस आपने अब थोड़ी सी हाई फ्लेम करनी है और इसको अच्छी तरह से, और हाँ, इसके लिए आपने लोहे की ही कढ़ाई लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने लोहे की कढ़ाई यूज करनी है। अच्छी तरह से आपने इसको जला देना है। नारियल हम सभी के बालों के लिए काफी अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, काफी अच्छी तरह से वर्क करता है ये। और आपने ये लोहे की ही कढ़ाई पर करना है, ध्यान रखिए। और बस आपने गैस ऑफ कर देनी है। गैस ऑफ करने के बाद आप इसको प्रोसेस को ऐसे ही कीजिए, क्योंकि इसमें अब तो ये जल ही जाएगा, ज्यादा गैस आपकी नहीं लगेगी इससे। और साथ में आपने इसको इस तरह से इसको तोड़ते जाना है, अच्छी तरह से इसका पाउडर रेडी कर लेना है।
और बस इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से तोड़ के ठंडा कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर काम करता है, काफी अच्छी तरह से रिजल्ट देगा आपको इंस्टेंट। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये हो चला है। बस इसको आपने ऐसे किसी भी मेशर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से, कोई भी आपके पास जो भी चीज़ हो उससे अच्छी तरह से तोड़ते हुए इसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है, कर लेना है इसको। तो ये देखिए ये ठंडा हो चला है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। इसको भी हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे, अच्छी तरह से महीन पीस लेंगे। हल्का सा आप दबाओगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाता है। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई और मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। अब बताती हूँ आपको इसको लगाना कैसे है। खट्टे रेडी कर लेना है, उसके बाद आपने कंटेनर में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है और महीनों तक के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। 1 से 2 महीने आराम से चल जाता है, ये खराब होने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, 11-12 साल से आप यूज कर सकते हो क्योंकि नेचुरल है, ये कोई भी हार्मफुल नहीं है और बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी तरीका है ये। और इसको आपने लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने रेडी किया था वो पाउडर आपने इसमें डाल लेना है, विटामिन ई की कैप्सूल ये वाली, आपके पास जो भी कलर की आप येलो आती है या ग्रीन है जो भी है आप यूज़ कीजिए, 400 mg की है ये कैप्सूल, ये डालनी है। और साथ में आपने डालना है कैस्टर ऑयल, ये दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, और ये इंस्टेंट कलर भी दिखाते हैं अपने बालों पर, इसको रख के आपने 1 से 2 घंटे रखना है, बहुत होगा आप 1 घंटा रखिए, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से। बहुत ही ईजी मेथड है ये, इससे ईजी तो कोई और होगा ही नहीं, जस्ट ट्राई कीजिए। आप एक ही बार बना के रख लीजिए और फिर यूज़ कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा जितना भी आपने यूज़ करना है उतना लेना है और इसमें डालना है एलोवेरा जेल, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए इसको और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिए क्योंकि आपने जब भी ये लगाना है ये उंगलियों में नाखूनों में फंस जाता है, तो जब भी आप इसको लगाइए ग्लव्स पहन लीजिए या टूथब्रश की हेल्प से लगाइए, जिससे कि ये आपकी उंगलियों में ना फंसे, आपके नेल्स में ना फंसे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, देखिए ऐसे लिक्विड सा एक बन जाएगा और ये कवर कर लेगा आपके बालों पर बहुत ही अच्छी तरह से। और जस्ट आपने कॉटन लेना है, कॉटन के हेल्प से भी आप लगा सकते हो, कॉटन लीजिए और जहाँ पे आपके बाल सफ़ेद है, जैसे कि मेरे यहाँ पे बाल सफ़ेद है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसको, आगे के बाल मेरे कम सफ़ेद है, यहाँ बीच में मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं, इस साइड कुछ बाल है कुछ इस साइड है। तो देखिए इस तरह से आपने अपने बालों पर कोट करना है अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पर मेरा सफ़ेद बाल है, शायद आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे कोट करते हुए लगा लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा आपके बालों पर, सफ़ेद बालों पर। आपने एक बार इसको बना के रख लेना है और जस्ट यूज़ करना है, और आपने आधे 1 घंटा इसको लगा के रखना है, उसके बाद कोई भी शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। आप वीकली इसको 1 से 2 बार जरूर कीजिए, 3 बार कीजिए, जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ही जल्दी आपके बाल काले होंगे और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। तीसरा तरीका क्या है, आपने इसमें ये पाउडर ऐड करना है और फिर इसमें ऐड करना है आपने आलमंड ऑयल, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है आलमंड ऑयल, जो कि आपके बालों को नरिश करता है, इसको जड़ से काला बनाता है। और ये जो हमने रेमेडी यूज़ की वो सबके घरों में इजिली मिल जाती है, तो यहाँ पर आपने कुछ ही ड्रॉप इसकी डालनी है। जितनी इसमें क्वांटिटी आपको चाहिए उतना आप डालिए और जस्ट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ब्रश की हेल्प से जैसे कि मैंने आपको बताया उससे आपने इसको अपने बालों पर लगाना है अच्छी तरह से,
पूरा कोट कर लेना है अपने सफेद बालों पर सभी। मेरे बीच में यहाँ पे सफेद बाल है कुछ कुछ, ये देखिए आपको शायद दिखा होगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे ही कोई भी मैं हार्मफुल प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ अपने बालों पर, सब नेचुरल यूज करती हूँ जिससे कि मेरे बाल और सफेद ना हो। और हेल्दी डाइट लीजिए जिससे कि आपके बाल काले बने रहे। तो प्रॉपर आपने अपने बालों को कोट कर लेना है अच्छी तरह से, जहाँ पे आपके बाल सफेद हैं एक घंटा रखिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो आई होप गाइस आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे सोशल मीडिया में, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर शेयर कीजिए। तो चलिए शेयर कीजिए आप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू है तो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी वीडियो के साथ, इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।